हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के वीडियो में हमारे पास आई है ड्यूक 390। और आप लोगों को तो पता ही होगा ये किन भाई की ड्यूक 390 है। हमारे पास आए हैं हिमांशु भाई अपनी ड्यूक 390 के साथ। तो हिमांशु भाई हमारे साथ हैं यहाँ कैमरे के इस साइड से, हनी भाई से। हिमांशु भाई एक आपको सब जानते तो होंगे आप उनको ऑलरेडी, तो मिलवाते। तो भाई कैसा लगा आपको हमारी शॉप में आके? अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी नई नई बड़ी अभी नई नई हो रही थी, काम चल ही रहा है इसमें। देखो बारिश का मौसम और काम भी इनकम्प्लीट है, लाइक अभी 50% ही शॉप का काम हुआ है, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। पोस्ट ऑर्डर कुछ भी मतलब एक तरह तो इनकम्प्लीट ही है। तो देखो सारे वायरें वगैरह सब कुछ अभी इनकम्प्लीट है। तो बाइक की भाई की बाइक आई है, तो ब्लॉग तो मैं ऐसे ही बहुत रफली शूट कर रहा हूँ। तो इनकी ड्यूक 390 है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट लगा लो एक महीना हो गया था। तो हम अभी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, ग्राफिक्स प्रिंट होकर हम पर आ चुके, सब रेडी टू इंस्टॉल। पुराने ग्राफिक्स निकालेंगे और फिर एंड में मिलवाते हैं आपको अच्छे से अपने भाई से, और बाइक का नया लुक दिखाएंगे आपको, जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट और जो पूरा कस्टम रैप है, बिल्कुल लुक एक नंबर होने वाली है। तो अभी वीडियो एंजॉय करिए आप, और आपको दिखाते हैं इसके सिनेमैटिक क्लिप कुछ। पहले करेंगे हम इसके जो ओल्ड डीकल किट है उसका रिमूवल करेंगे, और जितने भी बाइक में मतलब वॉशिंग वगैरह होगी, और जितने भी इसमें थिनर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जितना भी प्रीवियस डिकल किट से गमिंग जितना भी रहा होगा, ग्लू वगैरह, तो सारा रिमूव करेंगे। उसके बाद दिखाएंगे आपको कि फाइनल डिकल के इंस्टॉलेशन के बाद, और फिर करते हैं बढ़िया से बातचीत वगैरह अपने हनी भाई के साथ, हिमांशु भाई के साथ। तो चलिए, तो भाई का आपको यूट्यूब चैनल पता नहीं भाई, और देखो यहाँ से करेंगे रिमूव पुराने ग्राफिक्स। तो पुराने ग्राफिक्स भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के हैं, तो बढ़िया है, कोई नहीं। साल भर से ज़्यादा हो गया है, तो अब तक भाई कह रहा है कि मज़ा नहीं आया। तो भाई ने ऑनलाइन मंगाए थे, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम गलती करना ही मतलब ज़रूरी है, क्यों तभी तो इंसान सीखेगा सही गलत में डिफरेंस। तो सही हो रहा है, मतलब कोई अभी तक तो यार कोई गमिंग नहीं छोड़ी है, क्यों सही है ग्राफिक्स तो अभी तक क्वालिटी। नहीं, इन्होंने एक बार इंस्टॉल खुद ही कर रहे थे ना, एक तो लगा इन्होंने खुद ही थे ना। नहीं, इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिकल एक साइड से निकलना लगेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा पूरी गाड़ी में। पैडॉक लगाऊँ क्या? भाई ने छोटे छोटे अपने यूट्यूब के लोगो बनाए रेडियम से, सही है, प्रमोशन भी होना जरूरी है। अरे भाई बताएंगे दुर्गेश भाई, क्वालिटी कैसी रही इनकी स्टिकर की? ठीक है, डिसेंट है ना? अरे इतने में इतना इंच मिलेगा? बस जिस चीज़ का डर था वही हो गया। चीज़ ने क्यों गलत बताया ना, दूसरी चीज़ ने क्यों गलत बताया, क्यों? बस इसी चीज़ का डर था और यही होगा। तो यही एक सबसे मतलब ये क्वालिटी का ही मैटर रहता है, अगर अच्छी और क्वालिटी की रैप होगी तो आपका गमिंग नहीं छोड़ेगा। तो अब इसको रिमूव करने में थोड़ा लगेगा टाइम। ये भी अलग गम है, ये भी अलग गम है। इस गम ने गम दे दिया कि हमारे हनी भाई को, तो देखते हैं अभी इनको बोलेंगे अगर टैंक पूरा रैप करेंगे तो टैंक रैप कर देंगे अपना स्पार्कल वाइट में। ये भी ऐसे आ जाएगा, प्रोसेस चल रहा है हमारा अभी पूरे तरीके से बहुत बढ़िया करके। तो यार मोटो व्लॉग्स वगैरह सब आ नहीं रहे हैं, तो आएंगे सब धीरे धीरे आएंगे। पहले बस ये बाइक स्पेशल थी, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हिमांशु भाई, तो उनके लिए हमने स्पेशली बनाया। तो ये वीडियो यार पूरा बढ़िया एंड तक देखना, बढ़िया करके मज़ा आएगा आपको। और इस डीप 390 का यार पूरा लुक चेंज कर देंगे इस बार, बहुत बढ़िया करके। क्लीनिंग प्रोसेस शुरू, अच्छे से धोएंगे मिट्टी विट्टी निकाल के, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी, गंदी बोले तो क्लीन गंदी पतला करके मारो उसके आगे की पीछे। ऐसी वाइट रख लो, वाइट भी अच्छी लग रही। क्लीनिंग हो चुकी है, और बाकी सारे जितने प्रोसेस होते हैं डीकल किट इंस्टॉलेशन से पहले सारा हमने करवा चुका है ऑलमोस्ट। तो भाई ये बाइक कुछ ऐसी दिख रही है अभी, बिल्कुल प्लेन सोबर, बढ़िया एग्जॉस्ट थोड़ा सा, गाड़ी की पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद हम चेंज करवा के भाई के लिए लगवाएंगे थोड़ा सा शॉर्ट और छोटा सा प्यारा सा एग्जॉस्ट,
और बाइक देखो वाइट कलर में, अगर पूरी वाइट भी होगी तो नेक्स्ट लेवल लगती है बाइक। और बाकी अभी देखो डीकल की इंस्टॉलेशन हो रही है, तो ड्यूक 390 तो आपको पता है मेरे पे भी ड्यूक 390 थी, अभी वो बस सोल्ड आउट कर ही दी है, बाकी देखते हैं। प्रोसेस चल रहा है, रियर एंड का हो गया इंस्टॉल, रेडिएटर का इंस्टॉल कर दिया, इधर का इंस्टॉल कर दिया है और इधर का भी चल रहा है काम धाम, तो बढ़िया मज़ा आने वाला है। और दुर्गा जी लगे हैं हमारे पूरे, ऐसा भाई सबको दे, और चल रहा है देखो मज़ा है बिल्कुल बढ़िया कर दी। टैंक में हमने करा दी है अपना लैमिनेशन, और देखो भैया पता भी नहीं चला कि लैमिनेटेड है या नहीं, देखो यार यार बढ़िया, अभी कपड़ा मारे एकदम पॉलिश मारे गाड़ी एकदम शाइन हो जाएगी, तो चल ही रहा है काम। तो हमने सुबह कितने बजे स्टार्ट करा था हिमांशु भाई, सुबह कितने बजे स्टार्ट करा था? डस्ट करके आए थे 2-3 बजे ना, 3 बजे करीब, और तो लगा लो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम हो गया गाड़ी पे, तो टाइम लगता है कि यार क्योंकि रैपिंग वगैरह जो काम कराने वाला है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। अभी बज चुके हैं रात के ऑलमोस्ट, सो फाइनली एट द एंड हमारी ड्यूक 390 और हनी बॉय हिमांशु भाई के लिए होगी है रेडी। तो दिस इज़ तक कुछ ऐसा आ रहा है, देखो यार फाइनल लुक बाइक का कुछ ऐसा है, देखो लग रहा है आपको। बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आ रही हूँ कि चलता फिरता रोड है तो बिजी रोड है। बाकी हमने लिखा है यहाँ पे जो मेन इनका लोगो चाहिए था हनी बॉय, और बाकी थीम वगैरह आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है। तो हिमांशु भाई से पूछ लेते हैं कि उनको कैसी लगी बाइक, और बाकी अभी इसमें थोड़े मॉड्स और करेंगे आने वाले टाइम पे, तो उसका आप वेट करना। और बाकी फुल वीडियो आपको देखनी है ना स्टार्टिंग से कैसे कैसी, तो हिमांशु भाई का चैनल का तो नाम आपको बताइए, तो उनके उसमें पूरी वीडियो वो बता देंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी बस, क्योंकि ये हमारे स्पेशल हैं, बहुत हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और हमारे भाई जैसे हैं, तो वो स्पेशली आए थे देहरादून श्रीनगर से इतने दूर, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। तो हिमांशु भाई से पूछते हैं कि हिमांशु भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी शॉप पर, हिमांशु भाई बताइए। अच्छा लगा काफ़ी देर से लगे पड़े हैं। एक्सपीरियंस क्या, बारिश हो रही थी बस, दिक्कतें हो गई। बारिश भी होगी एक तो दिक्कत है, फिर बाकी सारा काम हो गया A to Z, आगे होगा फ्रंट का मटगाट हो गया, बाकी रेयर वेयर सारा हो गया, बाकी इनके साथ आ रही है गारंटी, मेरे पाले में नहीं आई है, इनसे बच के रहियो, हमारे पाले हुए नहीं आई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, बाकी मैं आपको एक राउंड रिव्यू ऑल ओवर एक 360 रिव्यू दिखा देता हूँ आपको बाइक का। और बाइक में बस आज के वीडियो में इतना ही, कुछ खास तो था नहीं, तो जितने भी आप लोगों ने वीडियो देखी तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही आपको करवाना है तो भाई आ जाना शॉप का एड्रेस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग विल बी देयर। सो दिस इज अरुणा साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।